आज हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आटे का हलवा। खाने में बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो इसे घर में पूजा पाठ के दौरान इसे प्रसाद के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है 1 कप शक्कर के साथ, जो हम घर पर आटा यूज करते हैं वही आटा 1 कप के करीब। और इसके साथ है मेरे पास ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो कि ये आटे के हलवे को एक बहुत ही सुंदर और क्रंचीनेस देगा। इन सब के साथ है मेरे पास फुल फैट मिल्क 500 ग्राम के करीब। हाँ, ये वही मटेरियल है जो अपने आटे के हलवे को डिफरेंट और एक रिच क्रीमिनेस टेस्ट देगा। और यहाँ है मेरे पास हलवे के टेस्ट को और थोड़ा एनहेंस करने के लिए काजू के साथ बादाम। और मेरे पास यहाँ घी भी है, जो कि हलवे को एक सॉफ्टनेस देगा और हलवे को फ्लेवर देने के लिए यहाँ मेरे पास इलायची पाउडर भी है। लेंगे एक पैन और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे घी को, और घी के थोड़ा गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे काजू के साथ बादाम को। तो काजू और बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे इसको कंटिन्यू चलाते हुए, ताकि ये जले ना और इसमें एक गोल्डन कलर आ सके। तो ये देख सकते हैं आप, अपने नट्स में बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको स्पून की सहायता से इसको निकाल कर अलग रख लेंगे। इसके बाद हम उसी पैन में अब ऐड करेंगे आटे को, और आटे को हम यहाँ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आटे को यहाँ ड्राई रोस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आटे में मॉइस्चर ज्यादा होता है। आटे को ड्राई रोस्ट करने से होता यह है कि अपना आटा फर्म हो जाता है और एक एक जो आटे का दाना है जो वो थोड़ा मोटा निकल कर आता है और हलवे को खाने में थोड़ा दानेदार फील कराता है। तो ये देखो आप, अपना आटा रोस्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें मिलाएंगे 2 से 3 बार में मिल्क को, और मिल्क को मिलाने के साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे ठीक से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे आटे को हम मिल्क के साथ पकाते जाएंगे वैसे वैसे ही हलवे में बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट आने लगेगा और हलवा खाने में बहुत ही क्रीमी लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर को, और इसके साथ में ही हम मिला देंगे इसमें कोकोनट पाउडर को, और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम हलवे को कुक कर लेंगे इसके ड्राई और कलर चेंज होने तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हलवे में कितना अच्छा एक गोल्डन कलर आया है। तो अब हम इस पॉइंट में हलवे में मिलाएंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर को, और साथ ही साथ अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए नट्स को भी मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एकदम प्योर देसी घी को, जो हलवे को एक सुपर टेस्ट देने के साथ साथ हलवे को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करेगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। तो ये हलवा रेगुलर प्रसाद के लिए यूज नहीं होता है, पर आप इसे रेगुलर नॉर्मल डेज में बनाकर खा जरूर सकते हैं, और घर में पूजा पाठ के दौरान इसे आप चाहे तो प्रसाद के रूप में भी बना सकते हैं। तो बनाइए इसे, बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनता है, और इंजॉय करें इसे एज अ डिजर्ट। और हाँ, वीडियो में मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।